महिला सुरक्षा के नाम जो नया कानून बना है, अराजक तत्वों ने महिलाओं को इस्तेमाल करके उसे शरीफों को लूटने का जरिया बना लिया है। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी तो राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर के कस्बा नरसिंहपुरा में गहनों की दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सोनी ने घर जाने का मन बना लिया, क्योंकि ठंड की वजह से अब ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र दुकान बंद करके खड़े हुए थे कि उनका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा था वह अनजान था, फिर भी उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। हेलो जी, मुझे भूपेंद्र जी से बात करनी थी, दूसरी ओर से किसी महिला ने कानों में शहद सा घोल दिया। जी बोलिए, मैं भूपेंद्र ही बोल रहा हूँ, भूपेंद्र ने कहा। अरे यार, मैं सपना बोल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढ पाए हूँ, नंबर मिलते ही आपको फोन किया है। आप तो मुझे भूल ही गए, कभी पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, सपना ने एक ही सांस में शिकायत भरे लहजे में उलाहना दे डाला। लेकिन मैंने आपको पहचाना ही नहीं, शायद आपको गलत फहमी हुई है, आपने गलत नंबर मिला दिया है, भूपेंद्र ने कहा। आप चुन्नीराम अंकल के बेटे भूपेंद्र बोल रहे हैं ना, सपना ने पूछा। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा भूपेंद्र ही हूँ, भूपेंद्र ने कहा। ये हुई ना बात, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिस भूपेंद्र की फैन हूँ वह मुझे न जाने, सपना ने कहा। तुम मर्दों की यही तो फितरत होती है, मतलब निकलने के बाद एकदम से भूल जाते हो, भूपेंद्र जवाब में कुछ कहता उसके पहले ही सपना ने धीरे से कहा। शायद वह आ गए हैं, अभी फोन रखती हूँ, कल इसी समय फिर फोन करूंगी, और हाँ, आप भूल कर भी फोन मत करना, इतना कहकर सपना ने फोन काट दिया। भूपेंद्र ने एक बार फोन को देखा, फिर गाड़ी में सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह सपना के बारे में ही सोचता रहा, घर आने पर भी उसके दिमाग में सपना ही घूमती रही, उसकी नस नस में सनसनी सी फैल गई थी। भूपेंद्र की गहनों की दुकान थी, उसके ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं ही थीं। उसे लगा कि सपना भी उसकी कोई ग्राहक होगी, कभी लगता कोई कालगल तो नहीं है। यही सब सोचते हुए भूपेंद्र सपना की सुंदरता और शारीरिक बनावट को विभिन्न आकार देता रहा। उसी के बारे में सोचते हुए उसे न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन भूपेंद्र का मन न जाने क्यों दुकान पर जाने का नहीं हुआ। उसने बड़े भाई को दुकान पर जाने के लिए कहा और स्वयं खेतों की ओर चला गया। उसका कई बार मन हुआ कि वह स्वयं सपना को फोन करे, लेकिन उसने मना किया था, इसलिए वह मन मार कर रह गया। वैसे भी उसने कहा था कि वह शाम को स्वयं फोन करेगी, शाम तक इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था। दोपहर बाद जब भूपेंद्र घर लौट रहा था तो उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी, नंबर सपना का ही था। उसके फोन रिसीव करते ही सपना ने कहा। हेलो भूपेंद्र जी। जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, भूपेंद्र ने कहा। भूपेंद्र जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस समय कहाँ हैं आप? मैं इस समय खेतों पर हूँ, यहीं आ जाओ, भूपेंद्र ने कहा। पागल हो गए हैं क्या आप? मैं अपनी ससुराल हनुमानगढ़ में हूँ, मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? आपको ही यहाँ आना होगा, वह आज किसी काम से दिल्ली गए हैं, कल तक लौटेंगे, सपना ने कहा। सपना, आज तो नहीं, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगा, भूपेंद्र ने कहा। सुबह 10 बजे तक पहुंचकर फोन करना, मैं स्वयं आपको लेने आ जाऊंगी, घर खाली है, पूरा दिन आपके लिए, ओके बाय, कहकर सपना ने फोन काट दिया। सुंदरी से मिले आमंत्रण से भूपेंद्र का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। अगले दिन भूपेंद्र को किसी काम से हनुमानगढ़ जाना भी था। उसने सोचा लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। अगले दिन यानी 9 दिसंबर 2013 की सुबह भूपेंद्र अपनी कार से हनुमानगढ़ पहुंच गया। उसने फोन किया तो सपना ने कहा, मैं तुम्हें रिसीव करने चूना फाटक पहुंच रही हूं, आप वहीं इंतजार करें। भूपेंद्र चूना फाटक पहुंच गया, कार को सड़क के किनारे खड़ी करके वह सपना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सपना वहां पहुंच गई तो चाहत की उम्मीदों के सहारे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आते ही सपना भूपेंद्र की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही भूपेंद्र ने पूछा, बताओ कहां चलें? मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया मर गई है, उसकी वजह से मोहल्ले में काफी भीड़ है, ऐसे में घर चलना ठीक नहीं होगा, घंटे दो घंटे मटरगश्ती करके समय गुजारते हैं, सपना ने कहा। भूपेंद्र ने कार लिंक रोड से अबोहर जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मोड़ दी। कुछ दूर आगे सड़क पर एक कार खड़ी दिखाई दी तो सपना ने भूपेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा। कार के पास 3 लोग खड़े थे, उन्हें अपना परिचित बताकर सपना उनके पास चली गई। भूपेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से 2 लोग उसके पास आ गए। उन्होंने भूपेंद्र को कार की पिछली सीट पर धकेला और उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो दूसरा उसकी बगल में। इसके बाद कार फिर रिंग रोड पर चल पड़ी।
उसके पीछे पीछे वह कार भी चल पड़ी जो वहां पहले से खड़ी थी। उसमें सपना अपने तीसरे साथी के साथ सवार थी। अब भूपेंद्र को समझते देर नहीं लगी कि वह किसी शातिर गिरोह के चक्कर में फंस गया है। वहां शोर मचाना भी बेकार था क्योंकि सड़क लगभग सुनसान थी। दोनों कारें एक खेत में बनी सुनसान ढांपी घर में जाकर रुकी। उन तीनों ने भूपेंद्र को खींचकर कार से बाहर निकाला। पहले तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसकी चेन, अंगूठी और जेब में पड़ी नकदी छीन ली, साथ ही गाड़ी की आरसी और दो बैंकों के एटीएम भी ले लिए। उन लोगों ने एटीएम के कोड नंबर पूछे तो भूपेंद्र ने शून्य बैलेंस वाले कार्ड का नंबर बता दिया। जिसमें बैलेंस था उसके कोड नंबर के बारे में उसने कह दिया कि याद नहीं है। सारा माल छीन लेने के बाद उनमें से एक ने कहा, शोहदे तूने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, हम तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे की बात सुनते ही भूपेंद्र की घिघी बंध गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। अब तू एक ही सूरत में इस मुकदमे से बच सकता है, अगर तू 10 लाख रुपयों की व्यवस्था करके हमें दे दे तो हम मुकदमा नहीं करेंगे। भूपेंद्र के काफी गिड़गिड़ाने पर मामला 50,000 रुपए में तय हो गया। जान से मारने की धमकी देकर चारों ने भूपेंद्र को 2 दिनों में रुपए की व्यवस्था करके फोन करने को कहा। लुटापिटा भूपेंद्र बुझे मन से अपनी कार लेकर घर आ गया। गाड़ी की आरसी, एटीएम कार्ड, नकदी और आभूषण लुटेरों ने छीन लिए थे। भूपेंद्र को गुमसुम देखकर घर वालों ने उससे पूछा भी, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह बात टाल गया। जब अगली सुबह उसके बड़े भाई ने पास बैठा कर उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने उनसे पूरी बात बता दी। सलाहम शिविरा करके दोनों भाई उसी समय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। 10 दिसंबर की दोपहर थाना हनुमानगढ़ के थाना प्रभारी भंवरलाल को भूपेंद्र ने अपनी व्यथा बताई। मामला गंभीर था लेकिन थाना प्रभारी को लग रहा था कि इस मामले में अभियुक्त शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एएसआई बलवंत राम को सौंप दी। बलवंत राम ने उसी समय भूपेंद्र से सपना को रुपयों की व्यवस्था हो जाने का फोन करवा दिया। सपना ने आधे घंटे में अबोहर रोड पर जहां भूपेंद्र के साथ घटना घटी थी पहुंचने को कहा। भूपेंद्र अपनी कार से वहां पहुंच गया। एएसआई बलवंत राम भी पुलिस टीम के साथ प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के वहां पहुंचकर थोड़ी दूर खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद भूपेंद्र के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे और पैसे लेने के लिए भूपेंद्र के पास पहुंच गए। भूपेंद्र का इशारा पाते ही पुलिसकर्मियों ने तीनों को घेर कर पकड़ लिया। तीनों के नाम थे असलम, तोफेल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी। इसके बाद भूपेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने सपना, असलम, तोफेल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी के खिलाफ भादमवी की धारा 342, 385, 382, 323 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सपना पुलिस के हाथ नहीं लगी थी, शायद उसे अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर लग गई थी इसलिए वह फरार हो गई थी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया जहां से विस्तृत पूछताछ और माल बरामद करने के लिए उनकी 2 दिनों की रिमांड की मांग की गई। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसी पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले इसी तरह सपना से फोन करवा कर उन्होंने पंजाब के अबोहर के एक आदमी को लूटा था। उसने पुलिस को सूचना दे दी थी तो पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भिजवा दिया था। अदालत से जमानत मिलने पर जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने भूपेंद्र को शिकार बनाया। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भिजवा दिया। सपना अभी भी फरार थी। 27 दिसंबर को थाना प्रभारी भंवरलाल एएसआई बलवंत राम से सपना की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी 3 लोग उनसे मिलने आए। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना परिचय हरजिंदर सिंह एडवोकेट, पूर्व बार संघ उपाध्यक्ष हनुमानगढ़ के रूप में दिया। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हरजिंदर सिंह ने अपनी बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, ये बेअंत सिंह है, मेरी बुआ का बेटा। भूपेंद्र सोनी की तरह इसे भी एक गिरोह ने फांस रखा है। वह गिरोह इससे 40 लाख रुपए नकद या फिर 2 बीघा जमीन देने पर इसे छोड़ने की बात कर रहा है। न देने पर इसे रेप के केस में झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है। सूचना गंभीर और चौंकाने वाली थी। एक बार थाना प्रभारी को लगा कि यह काम भी सपना के गिरोह का हो सकता है, लेकिन उस गैंग के सदस्य तो जेल में थे। इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि तभी बलवंत राम के फोन की घंटी बजी। फोन उनके मुखबिर का था।
उसने सपना के विजयनगर श्रीगंगानगर में होने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी से अनुमति लेकर बलवंतराम विजयनगर के लिए निकल पड़े। बलवंतराम चले गए तो बेअंत सिंह ने थाना प्रभारी भंवरलाल को अपनी जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। 12 दिसंबर 2013 की दोपहर की बात है। चक सुंदर सिंह वाला पीलीबंगा का रहने वाला 50 वर्षीय बेअंत सिंह अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उसकी दो संतानें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। हारतोड़ मेहनत और मितव्ययी स्वभाव का होने की वजह से इलाके में उसकी पहचान एक समृद्ध किसान की है। बेअंत सिंह खेतों में जाने वाले पानी की निगरानी कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से किसी औरत की आवाज आई, सरदार जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? बेअंत सिंह ने पूछा। जी मैं लवप्रीत कौर बोल रही हूँ। पिछले दिनों आपको पीलीबंगा के गुरुद्वारे में देखा था, तभी से मैं आप पर लट्टू हूँ। किसी तरह आपका फोन नंबर हासिल करके आपको फोन किया है। रही बात मिलने की तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई जवान लड़की किसी मर्द से क्यों मिलना चाहेगी। बेअंत सिंह के प्रौढ़ शरीर में एक बारगी सिहरन सी दौड़ गई। औरत हो या मर्द, एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक ही है। उसी आकर्षण में बंधे बेअंत सिंह ने कहा, लवप्रीत जी अभी तो मैं खेतों में पानी डाल रहा हूँ, मैं कल आपको फोन करता हूँ, कहकर बेअंत सिंह ने फोन काट दिया। लवप्रीत के मीठे बोल और खुले आमंत्रण से प्रौढ़ बेअंत सिंह का रोम रोम पुलकित था। वह जवान लवप्रीत से मिलने को लालायित हो उठा। अगले दिन सुबह बेअंत सिंह ने खेतों पर जाकर लवप्रीत को फोन किया। दूसरी ओर से फोन रिसीव हुआ तो उसने कहा, लवप्रीत मैं बेअंत बोल रहा हूँ। सरदार जी मुझे लवप्रीत नहीं सिर्फ लव कहिए, अब आपके लिए मैं सिर्फ लव हूँ। मैं 2 घंटे बाद पीलीबंगा बस स्टैंड पर पहुँच रही हूँ, मेहरबानी करके आप वहीं आ जाए, आगे का प्रोग्राम मिलने पर बनाएंगे। इतना कहकर लवप्रीत ने फोन काट दिया। खेतों से लौटकर बेअंत सिंह ने मोटरसाइकिल उठाई और पीलीबंगा के बस स्टैंड पर पहुंच गया। बेअंत सिंह ने बस स्टैंड से लवप्रीत को फोन किया तो सामने खड़ी लड़की को फोन रिसीव करते देख वह सकपका गया। लड़की उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने पूछा, सरदार जी आप कहाँ हो? बेअंत सिंह ने पहचान बताई तो वही लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लवप्रीत के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वह भी बेअंत सिंह की ही तरह सकपका गई थी। पास आकर उसने कहा, अभी उनका फोन आया था, मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ गया है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा, कृपया मुझे पुराने बस स्टैंड तक अपनी मोटरसाइकिल से छोड़ दीजिए, समय मिलते ही मैं आपको फोन करूंगी। बेअंत सिंह ने मोटरसाइकिल से लवप्रीत को पुराने बस स्टैंड पर छोड़ दिया और अपने घर आ गया। लाख कोशिशों के बाद भी बेअंत सिंह लवप्रीत को इस तरह कन्नी काट कर चली जाने का कारण समझ नहीं पाया। हाँ इतना जरूर हुआ कि उसने लवप्रीत को सपना समझकर भुला दिया। 2 दिनों बाद बेअंत सिंह अपने ममेरे भाई एडवोकेट हरजिंदर सिंह से मिलने उसके घर गया। दोनों धूप में बैठे चाय पी रहे थे, तभी बेअंत सिंह के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो फोन करने वाले ने उसका नाम पता पूछकर कहा, मैं पीलीबंगा थाने का सिपाही जसवंत बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। ये सुनते ही बेअंत सिंह घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। हरजिंदर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद फोन लेकर बात शुरू की तो फोन करने वाले कांस्टेबल जसवंत ने कहा, 3 लोग एक महिला को लेकर आए थे, महिला कह रही थी कि बेअंत सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन घटनास्थल हमारे क्षेत्र के बाहर का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन्हें वापस भेज दिया। बेअंत सिंह ने इस आरोप को खारिज करते हुए हरजिंदर सिंह को पूरी घटना के बारे में बता दिया। वकील होने के नाते हरजिंदर सिंह को पता था कि मामला कितना गंभीर है। कथित पीड़िता के आरोप को एक बार भी नकारा नहीं जा सकता था। लवप्रीत कौर का फोन नंबर बेअंत सिंह के पास था ही। मामला पुलिस तक जाए इसके पहले ही हरजिंदर ने सुलटाने की कोशिश शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेअंत सिंह का बहनोई बौड़ा सिंह भी आ गया। बौड़ सिंह लवप्रीत कौर और उसके उन दोनों साथियों को जानता था जो उसकी मदद कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई तो लवप्रीत ने मामला सुलटाने के लिए 40 लाख रुपए या 2 बीघा जमीन मांगी, जबकि बेअंत सिंह 2 लाख रुपए देने को तैयार था। लवप्रीत का एक साथी था जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा, जो स्वयं को पूर्व सरपंच बता रहा था। उसने कथित पीड़िता लवप्रीत का एक ऑडियो कैसेट तैयार कर रखा था। उस कैसेट में लवप्रीत कह रही थी कि मांग पूरी होने पर वह बेअंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी।
जबन सिंह लवप्रीत को अपनी नौकरानी बता रहा था। लवप्रीत की इस मांग से बेअंत सिंह, बौरा सिंह और हरजिंदर सिंह परेशान थे। वहीं हरजिंदर का कहना था कि यह सरासर ब्लैकमेलिंग है। अन्य लोगों के न चाहते हुए भी हरजिंदर सिंह ने ब्लैकमेल करने वालों लवप्रीत और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय ले लिया। इसके बाद 27 दिसंबर को बेअंत ने थाना हनुमानगढ़ में प्रकट सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी 2 GGR, जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा पुत्र मखन सिंह निवासी 3 GGR तथा लवप्रीत कौर उर्फ हरप्रीत उर्फ रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी भंवरलाल ने इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश को सौंप दी। अगले दिन उन्होंने बेअंत सिंह से जबन सिंह व प्रकट सिंह को रुपए ले जाने के लिए फोन करवा दिया। वे रुपए लेने आए तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन शाम को पुलिस ने लवप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर विजयनगर से ASI बलवंत राम ने सपना को भी महिला पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सपना ने जो बताया था वह इस प्रकार था। सपना उर्फ सोना पंजाब के मुक्तसर जिले के गांव लूलबाई के रहने वाले सतनाम सिंह की बेटी थी। सपना की शादी हनुमानगढ़ के रहने वाले अशोक के साथ हुई थी। सपना उसके एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन उसकी सास माया समाज की मर्यादाओं को तोड़कर असलम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। अशोक को मां की तरह पत्नी का भी चरित्र ठीक नहीं लगता था। इससे आहत होकर उसने घर छोड़ दिया। इसी सपना को चारा बनाकर असलम ने भूपेंद्र को फांस कर लूटने की योजना बनाई थी। लवप्रीत कौर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी शादी गंगूवाला सिरवान में हुई थी। पति से अनबन होने के बाद वह हनुमानगढ़ आकर अकेली ही रहने लगी थी। यहीं उसका संपर्क प्रकट सिंह और जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा से हुआ। लवप्रीत कथित रूप से जबन सिंह की रखेल थी। लवप्रीत को चारा बनाकर बेअंत सिंह को ब्लैकमेल करने की योजना जबन सिंह की थी। लवप्रीत से जबन सिंह ने कहा था कि पैसे मिलने पर वह उसके लिए घर बनवा देगा, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में हुए दा करने वाला जो दृश्य दिखाया गया था, उसमें इसी लड़की ने रुपए ट्रांसफर किए थे। इसने कुलकर्णी से बदला लेने के लिए ये सब किया था, क्योंकि उसने उसकी मां की बेइज्जती करके अपने घर से निकाला था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तब इस लड़की ने उसके पैसे एक NGO को ट्रांसफर कर दिए थे। यहां DCP हुसैन के बारे में पता चलता है कि वह साइबर सिक्योरिटी का हेड तो है, लेकिन उसे इस सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। DCP हुसैन की भूमिका सज्जाद हुसैन खान ने की है। ACP काम्या काफी तेज तर्रार पुलिस वाली दिखाई देती है। वह उस लड़की को क्रिमिनल कहती है तो आशुतोष कहता है कि नहीं, ये लड़की उनके काम आ सकती है। यहां पता चलता है कि उस लड़की का नाम शक्ति चौधरी है। इसके बाद आशुतोष शक्ति को जेल से सीधे एक हैकर हाल में ले आता है, जहां कई हैकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसे पुलिस ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। यहां आशुतोष ने शक्ति से कहा कि अगर वह ये कंपटीशन जीत जाती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा उसका नाम किसी बड़े गैंग के साथ जोड़ दिया जाएगा जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं। उस लड़की यानी शक्ति का रोल विद्धि कुमार ने किया है। फिर एक बड़ी कंपनी का मालिक कंपटीशन के बारे में बताता है कि सभी को एक कंपनी का सब हैक करना है। जो ये काम सबसे पहले करेगा उसे 3 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। ये सुनकर वहां आए सभी हैकर हैकिंग में जुट जाते हैं। पुलिस टीम ये सब TV पर देख रही थी कि कौन हैकर क्या ट्रैक करता है। तभी एक हैकर सभी के कंप्यूटर पर वायरस छोड़ देता है कि कोई उससे आगे न निकल पाए। शक्ति उसे गुस्से से घूरने लगती है। आशुतोष की टीम हंसने लगती है कि यह लड़का कितना शातिर है। शक्ति को एक आइडिया आता है और वह फोन उठाकर वहीं घूमने लगती है। वह लड़का उस कंपनी के सर्वर को हैक करने ही वाला था कि काम्या को पता चल जाता है। इस दौरान DCP हुसैन कंपनी के मालिक से पूछते हैं कि उन्हें चिंता नहीं है कि ये लड़के उनकी कंपनी का सर्वर हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। इस पर वह आदमी बताता है कि यह तो फेक सर्वर है, जिसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर यह सर्वर हैक होता है तो उसे इसकी कमियों का पता चल जाएगा, जिससे वह इसे और सुरक्षित बनाएगा। तभी वह लड़का थोड़ी देर में सर्वर हैक करके विनय बन जाता है, जबकि शक्ति तब तक फोन पर ही लगी थी। जब प्राइज देने की बात आती है तो कंपनी का आदमी बताता है कि उसकी कंपनी का असली सर्वर किसी ने हैक कर लिया है। पता चलता है कि यह काम शक्ति ने किया था।
इसके बाद शक्ति को बैठा कर पूछा जाता है कि उसने ये सब कैसे किया। शक्ति बताती है कि उसने देखा कि उस सव पर तो ट्रैफिक है ही नहीं, इससे उसे पता चल गया कि वह फेक सव है। तब उसने इंटरनेट से कंपनी के वेंडर की लिस्ट निकाली और एक वेंडर को बातों में फंसाकर उसकी ईमेल आईडी ले ली, जिसके बाद सव को हैक करने के लिए उस वेंडर के ईमेल पर पेमेंट लेने के लिए एक मैसेज भेजा और जैसे ही उस वेंडर ने पेमेंट लेने के लिए उस पर क्लिक किया, उनका पूरा सव हैक हो गया। ये देखकर आशुतोष शक्ति से प्रभावित होता है कि यह लड़की तो बहुत तेज है। वह उसे अपने ऑफिस में नौकरी करने के लिए कहता है। ये भी कहता है कि उसे 25,000 रुपये महीने वेतन मिलेगा। उसका काम सिर्फ इतना होगा कि उसे साइबर क्राइम करने वालों को पकड़ना होगा। लेकिन शक्ति नौकरी के लिए मना करके चली जाती है। घर पहुंचने पर माँ कहती कि मकान मालिक किराया मांग रहा था, अगर उसे किराया नहीं दिया तो उन्हें ये कमरा खाली करना होगा। आगे उसने ये भी कहा कि उसने एक दो घर में झाड़ू पोछा का काम देखा है, अगर उसे यह काम भी मिल गया तो वह इस काम को भी कर लेगी। शक्ति चुपचाप खड़ी माँ की बात सुनती रहती है। अगले दिन सवेरे शक्ति आशुतोष के पास जाती है और उससे कहती है कि वह नौकरी करने के लिए तैयार है। आशुतोष भी मान जाता है। इसके बाद एक एक्ट्रेस सोनम को दिखाया जाता है जो अपनी नई बुक लॉन्च कर रही थी, इंडियन पेरेंटिंग बाइबल। वह वहां बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। इसके बाद वह जैसे ही कार में बैठती है, उसके बेटे की वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल पर ही वह मर जाता है। सोनम उसे देखती रह जाती है। उस दिन शक्ति पहले दिन अपनी नौकरी पर पहुंची तो वहां एक्ट्रेस सोनम के बेटे की मौत की मिस्ट्री पर बात चल रही थी। वहां शक्ति के साथ वह विनय हैकर भी बैठा था जिसका नाम जिगर पटेल था। काम्या बताती है कि उसकी मौत ड्रग्स के कारण हुई थी, जिसे गामा रोड वेबसाइट से ऑर्डर किया गया था, जिसका सप्लायर कोई बबल गम था। विनय हैकर जिगर का रोल आकाश अय्यर ने किया है। गिरीश, शक्ति और जिगर को मिलाकर एक टीम बना दी जाती है। गिरीश की भूमिका अखिल खट्टर ने की है। उसे देखकर यही लगता है कि जिस तरह एसीपी का करीबी होने की वजह से हैकर की टीम में शामिल किया गया था, उसी तरह शायद वह डायरेक्टर का करीबी रहा होगा जिसकी वजह से उसे सीरीज में काम दिया गया। रात को आशुतोष अपने बेटे के साथ बैठा है। यहाँ ये पता चलता है कि आशुतोष की पत्नी मर चुकी है, इसलिए उसका बेटा अमय अपने पापा का पूरा ख्याल रखता है कि उसके पापा को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन सभी लोग आकर उसी गामा रोड की वेबसाइट पर लग जाते हैं। जिगर कहता है कि गामा रोड की ही तरह हिप्पी नाम की एक अन्य वेबसाइट है जिस पर ट्रैफिक तो कम है लेकिन बबल गम उस पर ड्रग्स बेचता है। ये सब शक्ति सुन रही थी। आशुतोष ने कहा कि उन्हें गामा रोड पर ही फोकस करना है क्योंकि बबल गम का एडमिन उसी से पकड़ा जाएगा। ये कहकर आशुतोष जाने लगता है तो जिगर कहता है कि सर यहाँ एक एस बड़ी ई लगवा दीजिए वरना मशीनें गर्म होकर फट जाएंगी। लेकिन आशुतोष ये सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सोनम बेटे की मौत से काफी परेशान थी क्योंकि उसका कातिल नहीं मिल रहा था। एक पुलिस वाला शिंदे पेड़ पर बैठकर उस ड्रग्स वाले का इंतजार करता है पर वहां कोई नहीं आता। इस पर जिगर उस वेबसाइट पर पूछता है कि कोई माल लेने क्यों नहीं आया। उसे जवाब मिला कि वे बंदरों से माल नहीं लेते, दरअसल ड्रग्स लेने वालों ने पुलिस को पेड़ पर बैठे देख लिया था। तभी शक्ति को एक आइडिया आता है और उसने गामा रोड वेबसाइट के बजाय हिप्पी वेबसाइट पर ट्राई मारी और उसने बबल गम की लोकेशन ट्रेस कर ली, जिसके बाद शिंदे के साथ आशुतोष वहां पहुंच जाता है और एक आदमी को पकड़ लाता है। जब उस आदमी को रिमांड पर लिया जाता है तो वह आदमी उस वेबसाइट के बारे में सब बता देता है। इसके बाद शक्ति बबल गम की आईडी खोल लेती है और वहां मारियो मिलता है, आशुतोष जिसे पकड़ने की बात करता है। तब गिरीश बताता है कि इसका नाम मारियो से पहले स्पाइडर था। इसके बाद गिरीश, जिगर और शक्ति उसके बारे में सब पता कर लेते हैं। लेकिन उस डीलर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सभी अपना भेष बदल कर जाते हैं। वहां पहुंचकर एक पुलिस वाला योजनानुसार कार को मारियो के घर में घुसा देता है और शोर मचाने लगता है। शोर सुनकर जैसे ही मारियो बाहर आता है तो ये लोग उसका फोन छीनने लगते हैं जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन मिल जाए, पर मारियो अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद हिप्पी वेबसाइट के माध्यम से सारे ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं। इन्हीं में सोनम के बेटे का कातिल भी पकड़ा जाता है। इस तरह इस मामले का खुलासा हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की रूही अपने पापा से फोन पर बात करती है। उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं कि इस बार उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। तब रूही रोते हुए फोन काट देती है,
जिससे उसके पापा को चिंता हो जाती है। पता चलता है कि शाम को रूही ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद शक्ति और उसकी माँ से मकान मालिक किराया मांग रहा था। तब शक्ति कहती है कि वह गांव वाली जमीन बेचकर अपना मकान लेगी। तब उसकी माँ उसे डांटकर चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रूही के पापा आशुतोष से मिलने आए थे। तब पता चलता है कि वह ब्रिगेडियर रह चुके थे। वह आशुतोष से कहते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड क्यों किया, इसकी वजह उनकी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वह उनसे मदद चाहते हैं। इसके बाद आशुतोष की टीम के सदस्य रूही का व्हाट्सएप से लेकर टेलीपोस्ट तक चेक करते हैं, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। यहां तक कि उसका फोन भी पूरी तरह क्लियर था, जिसे देखकर शक्ति का शक बढ़ जाता है कि गड़बड़ तो जरूर है। गिरीश कहता है कि रूही के फ्रेंड का कहना है कि इधर 2 महीने से वह बदलीबली लग रही थी, जैसे किसी उलझन में रही हो। तब जिगर ने कहा कि इंस्टाग्राम पर भी वह अक्सर पोस्ट डाला करती थी, पर इधर 2 महीने से उसने कोई पोस्ट नहीं डाली थी। इसका मतलब था कि गड़बड़ इन्हीं 2 महीनों में हुई थी। इसके बाद एक लड़की के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और अपनी मम्मी तथा पापा को देखने लगती है। दूसरी ओर आशुतोष की टीम रूही के फ़ोन का डिलीट डाटा रिकवर करती है, जिसमें रूही की प्राइवेट फ़ोटो मिलती है और उसी में रूही ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वह रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद शक्ति और आशुतोष काम्या को बताते हैं कि जो लोग रूही के फ़ोटो लाइक कर रहे थे उनमें राहुल नाम की आईडी मिली है, जिसके फेक फॉलोअर्स थे। उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि आजकल वह किसी पिया नाम की लड़की के फ़ोटो पर वैसे ही कमेंट कर रहा था। जिगर बताता है कि पिया के फ़ोटो से उसके स्कूल के नाम का पता चल गया है। इसके बाद आशुतोष और शक्ति पिया से बात करने के लिए उसके स्कूल जाते हैं, ताकि यह पता चल सके कि राहुल उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। आशुतोष स्कूल की प्रिंसिपल से मिलकर पिया को बुलवाने के लिए कहता है, साथ ही पिया के पेरेंट्स को भी बुला लेता है। चपरासी आकर बताता है कि पिया छत पर खड़ी कूदने को तैयार है, जिसके हाथ से खून बह रहा है और उसके हाथ में कंपास है। शक्ति भी उसे ढूंढ रही थी। पिया के हाथ से कंपास छूटकर नीचे गिरता है तो शक्ति उसे देख लेती है। वह भागकर ऊपर पहुंचती है और पिया को कूदने से रोकती है। तब तक आशुतोष भी ऊपर पहुंच जाता है और आकर पिया को खींच लेता है, जिससे पिया बच जाती है। आशुतोष पिया से पूछता है कि इस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। पिया बताती है कि कुछ दिन पहले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी थीं। इसके बाद दोनों टेलीपोस्ट पर भी बातें करने लगे थे। कुछ दिनों में दोस्ती गहरी हो गई तो राहुल उसकी प्राइवेट फ़ोटो मांगने लगा। अब तक राहुल उसे पसंद आ गया था, इसलिए वह अपनी प्राइवेट फ़ोटो उसे खुशी खुशी देती रही। इसके बाद वह उससे गलत काम भी करवाने लगा। राहुल कहता था कि उसे उसके मम्मी पापा का ही नहीं, सारे लोगों के नंबर पता हैं। इसलिए उसकी धमकी सुनकर न चाहते हुए भी उसे वह सब करना पड़ता था जो राहुल कहता था। इसके बाद शक्ति उसका फ़ोन चेक करके बताती है कि यह है वह वायरस जिसे उसने फ़ोटो के जरिए भेजा था और इसके माध्यम से उसने उसके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी। आशुतोष पिया को हिम्मत देता है और उसके मम्मी पापा उसे संभाल लेते हैं। तभी राहुल एक प्राइवेट फ़ोटो मांगता है और पिया फ़ोटो देने के लिए मान जाती है कि किसी तरह वह पकड़ा जाए। शक्ति फ़ोटो के साथ एक वायरस भेज देती है कि राहुल के फ़ोन की प्रोफाइल और लोकेशन उसके पास आ जाए। राहुल जैसे ही फ़ोटो डाउनलोड करता है, उसके फ़ोन की डिटेल शो होने लगती है। तभी आशुतोष देखता है कि राहुल वह फ़ोटो एक ग्रुप में भेजता है, जहां लोग उस पर बोली लगाने लगते हैं, यानी यह एक तरह का बहुत बड़ा बिजनेस था। इसके बाद ये लोग ट्रेस की गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि वहां तो सभी फ़ोन में लगे थे। आशुतोष की समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तभी शक्ति टेलीपोस्ट से पिया के फ़ोन से राहुल को फ़ोन कर देती है। पता चलता है कि राहुल तो एक लड़की है, जिसे पकड़ कर ले आते हैं। आशुतोष उससे पूछता है कि वह लड़की होकर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। तब वह कहती है कि यह तो एक बिजनेस है जिसमें वह मोटा पैसा कमा रही थी। अगले दिन इस रैकेट का समाचार अखबारों में छप जाता है। रूही के पापा उसे जेल में देखकर खुश थे। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में माइक स्टॉक के मालिक को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के अकाउंट से 73 करोड़ रुपये निकल गए और किसी को पता ही नहीं चलता कि वे रुपये गए कहाँ। आशुतोष जब अपने घर में अमय के साथ खेल रहा था तो डीसीपी हुसैन ने उसे इस केस के बारे में फ़ोन करके जानकारी दी। इसके बाद आशुतोष और उसकी टीम मिनिस्टर के पास जाती है,
जहां मिनिस्टर पूछती है कि माइक स्टॉक का मामला कहां तक पहुंचा। तब आशुतोष बताता है कि यह काम कंपनी के ही आदमी ने किया है। इसी के साथ वह पीयूष से कहता है कि आपकी कंपनी से ओरिएंटल बैंक को 4 मेल गए थे फंड ट्रांसफर करने के लिए, जिनमें बार बार 17 से 19 करोड़ की डिमांड आ रही थी। तब पीयूष बताते हैं कि यह डिमांड उन्होंने नहीं भेजी थी। पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने 20 करोड़ तक की लिमिट लगा रखी थी। ये सुनकर आशुतोष ने कहा कि इसी वजह से हैकर ने आपके अकाउंट से बार बार 20 करोड़ से कम रकम निकाली है। तब हुसैन ने कहा कि पैसा निकलने का मैसेज तो आया होगा। इस पर आशुतोष बताते हैं कि मैसेज आते ही फ़ोन से डिलीट हो जाते थे। पीयूष ने बताया कि उन्हें तो बैंक से नॉर्मल मैसेज ही आते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि सब ठीक है। आशुतोष ने कहा कि यह बैंक नहीं, हैकर भेजता था, जिससे उसका काम आसान रहे और इसे स्कूफीनेस कहते हैं। ये सारे पैसे नीदरलैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनसे बिटकॉइन के जरिए गिफ्ट कार्ड में बदलकर भेजा गया है। तब माइक स्टॉक का वकील कहता है कि अगर इसमें उनकी गलती सामने आई तो बैंक से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मंत्री भी कहती है कि उनकी इस टीम को उनके पैसे के बारे में पता लगाना ही होगा। इसके बाद जब ये लोग माइक स्टॉक के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब मिस्टर पीयूष बताते हैं कि बैंक वाले 50% पैसे देने को तैयार हैं। तभी शक्ति मेल को प्रूफ कर लेती है। आशुतोष कहता है कि हम कोर्ट में प्रूफ तो कर ही देंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको पूरा पैसा लेना है या आधा। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां दोनों के वकील दलीलें देने लगते हैं। तब माइक स्टॉक का वकील कहता है कि अगर बैंक वालों का शव कमजोर न होता तो उनका पैसा न उड़ता। लेकिन प्रूफ न मिलने के कारण माइक स्टॉक ये केस हार जाती है। जिसके बाद आशुतोष जब घर जा रहा था तो DCP हुसैन उसे फ़ोन करके बताते हैं कि मंत्री जी ने उनकी यह यूनिट बंद करा दी है, क्योंकि वे लोग उन्हीं का केस सॉल्व नहीं कर पाए। जवाब में आशुतोष कहता है कि उसे 2 दिन का समय दीजिए, वह इस केस को सॉल्व करके रहेगा। DCP ने कहा कि ठीक है, वह 2 दिन तक मैडम को संभाल लेगा। सभी मिलकर कसम खाते हैं कि वे इस यूनिट को बंद नहीं होने देंगे और फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शक्ति उन्हीं बेचे गए बिटकॉइन गिफ्ट कार्ड के बारे में सोच रही थी कि इसके सेलर को कैसे पकड़ा जाए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तब शक्ति ने बाय करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली थी, लेकिन सवाल ये था कि असली खिलाड़ी तक पहुंचा कैसे जाए। तब उसे आइडिया आता है और वह सभी की सोशल मीडिया हैंडल चेक करने लगती है और शाम तक उसे एक प्रोफाइल मिल जाती है। इसके बाद दिखाई देता है कि आशुतोष एक लड़की के साथ डेट पर आया था। वहां शक्ति अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। शक्ति आशुतोष को बताती है कि उन्हें सबूत मिल गया है। इसके बाद माइक स्टॉक कंपनी से जुड़े एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसने कंपनी से 73 करोड़ की चोरी की थी। आशुतोष ने उसे पकड़ रखा था। पूछने पर वह बताता है कि उसे पता था कि माइक स्टॉक की सिक्योरिटी हाईफाई नहीं थी, इसलिए उसने यहां नौकरी की कोशिश की तो उसे नौकरी मिल गई। यहां 1 साल तक नौकरी करके उसने सबका विश्वास जीता। फिर एक दिन मिस्टर पीयूष का ईमेल आईडी और पासवर्ड चुरा लिया और फिर उसने ये सारा खेल खेला। अपनी एक गलती की वजह से वह पकड़ा गया। न वह अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कार्ड भेजता और न वे लोग उसे पकड़ पाते। अगले दिन जब टीम के सभी लोग ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस में SBDE लग गया था। आशुतोष बताता है कि मंत्री जी ने खुश होकर यह SBDE लगवाया है। इस एपिसोड की शुरुआत में विक्रम भारद्वाज दिखाई देता है, जो एक न्यूज एंकर है, और वह कैमरे के सामने आकर कहता है कि अब वह न्यूज कैमरा आदि सब छोड़ रहा है और जाते जाते एक ऐसी न्यूज देगा जिसे जानकर सभी के होश उड़ जाएंगे। आगे विक्रम भारद्वाज DCP हुसैन के सामने बैठकर कह रहा था कि उसका ईमेल हैक हुआ है और किसी ने उसके सारे ईमेल उसके बॉस को भेज दिए हैं। इस पर आशुतोष उससे पूछता है कि उसे किसी पर शक है। विक्रम कहता है उसे अपने साथी करण पर शक है, जो उसकी जगह प्राइम टाइम शो करने वाला है। इसके बाद आशुतोष की टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। विक्रम के पास अलजहा का फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि क्या वह आज शाम को मिल सकता है। डेरिक सर उससे मिलना चाहते हैं। विक्रम तैयार हो जाता है। फिर शाम को विक्रम अलजहा के CEO से मिलने के लिए उन्हीं की कार से जाने लगता है, जहां वह आदमी विक्रम की खूब तारीफ करता है तो विक्रम खुश होता है। अब तक शक्ति को अलजहा के नकली होने के सबूत मिल गए थे। DCP हुसैन बार बार विक्रम को फ़ोन कर रहे थे, पर विक्रम उनका फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद ये लोग विक्रम को ट्रेस करते हैं कि कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है।
आशुतोष और शक्ति विक्रम की तलाश में निकल पड़ते हैं तो जिगर और गिरीश उसकी लोकेशन ट्रेस करके उन दोनों को बताते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वह आदमी विक्रम को बेहोश करके उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। इससे विक्रम की लोकेशन का पता नहीं चलता। इसके बाद काम्या उस कार को जिससे विक्रम जा रहा था उसे सीसीटीवी फुटेज से पता करके बताती है। थोड़ी देर ढूंढने पर आशुतोष को वह कार उसे खाली मिलती है। तब इन लोगों की समझ में नहीं आता कि विक्रम को कैसे ढूंढा जाए। दूसरी ओर उस आदमी ने विक्रम को नंगा करके लटका दिया था। यहां पता चलता है कि इन दोनों लोगों ने विक्रम को अलजहा के नाम से फंसाया था। विक्रम उनसे पूछता है कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वे कहते हैं कि उसे झूठी खबरें फैलाने का शौक है न। इसके बाद वे उसे उसकी एक पुरानी न्यूज सुनाते हैं जिसमें उसके उकसाने पर एक मासूम लड़के की जान चली गई थी और वे दोनों बताते हैं कि वह उनका भाई था और उसी का बदला वे लेने आए हैं। आशुतोष को विक्रम के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तब शक्ति अपने लैपटॉप से विक्रम के आईफोन को ढूंढने लगती है। आशुतोष कहता है कि स्विच ऑफ फोन को कैसे ढूंढेगी। तब शक्ति बताती है कि आईफोन कभी भी एक दिन के लिए स्विच ऑफ नहीं होता, वह 24 घंटे के लिए सिर्फ लो पावर मोड में चला जाता है। अब वह उसी से उसे ढूंढेगी। इसके बाद वह विक्रम के मेल को खोलकर उसके फोन को लास्ट बता देती है, जिससे वहां जितने भी आईफोन होंगे वे अपनी लोकेशन बताने लगेंगे। यह आइडिया सुनकर जिगर चौंक जाता है कि शक्ति इतना सब कैसे सोच लेती है। फिर शक्ति को विक्रम की लोकेशन मिल जाती है। दूसरी ओर वे दोनों आदमी विक्रम के माफीनामे की वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद विक्रम कहता कि अब उसे जाने दें, पर वह आदमी उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने लगता है। तभी आशुतोष वहां पहुंच जाता है और उनसे फोन नीचे रखने को कहता है, लेकिन उस आदमी ने वीडियो अपलोडिंग पर लगा रखी थी। वे दोनों आदमी पकड़े जाते हैं और विक्रम को सेफ घर ले आते हैं, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने से विक्रम की काफी बदनामी हो रही थी। उसे देखकर विक्रम डिप्रेस हो जाता है। फिर वही सीन आता है जो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था। वहां लाइव बैठकर विक्रम खुद को शूट कर देता है। अगले दिन सुबह शक्ति कहती है कि विक्रम को बचाने का क्या फायदा हुआ जब उसे खुद को मारना ही था। इस पर आशुतोष कहता है कि उनका काम गुनाहगार को पकड़ना है जिससे कोई भी गुनाह करने से डरे। पांचवें एपिसोड की शुरुआत में एक बिजनेसमैन कोर्ट में ऋषभ की कंपनी एमिली लिमिटेड पर इल्जाम लगता है कि यह कंपनी आतंकवादी स्लीपर सेल को फंड दे रही है और जज कंपनी के सारे अकाउंट सीज करने तथा जांच करने का आदेश देता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आशुतोष की टीम आती है। यहां ऋषभ आशुतोष पर भड़क जाता है तो उसका दोस्त उसे संभालता है और उसे बाहर ले जाता है। आशुतोष कहता है कि अब उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों को एमिलिन और रोजवेल के ट्रांजैक्शन की नॉलेज थी, फिर वह लिस्ट उसे दो। इसके बाद ये लोग अपने काम पर निकल जाते हैं कि अब वे सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। आगे शक्ति अपनी माँ के पास थी। उसकी माँ जमीन के कागज देखकर उस पर भड़क रही थी कि उसे मुकदमा नहीं करना क्योंकि वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर शक्ति कहती है कि वह अपनी जमीन लेकर उसे बेचेगी और यहां अपना घर लेगी। ऑफिस में शक्ति आशुतोष को बताती है कि उसने जो वेबसाइट बताई थी उसी के कारण ऋषभ पर अंगुलियां उठी थीं। कोर्ट में ऋषभ का वकील जज को बताता है कि दो न्यूज की वेबसाइट एक ही नंबर से अपडेट की जा रही थीं और यह सब जगदीश राठी करवा रहा था। यहां पता चलता है कि यह वही आदमी है जिसने सतीश को खरीदा था ताकि ऋषभ की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे पाए। तब जज साहब पूछते हैं कि एक फैब्रिक कंपनी ऐसा काम क्यों करेगी। तब पता चलता है कि यह फैब्रिक कंपनी तो एक छोटा हिस्सा है, वह बहुत बड़ी कंपनी है जो भारत में सड़क बनाती है। जब उन्हें पता चला कि ऋषभ रिसाइकल प्लास्टिक से सस्ते में सड़क बना रहा है तो इन सब ने मिलकर ऋषभ को बर्बाद करने की सोची। इसके बाद जज सारे सबूत देखते हैं, ऋषभ की कंपनी को दोबारा काम शुरू करने के लिए कह देते हैं और उस फैब्रिक कंपनी तथा सड़क बनाने वाली कंपनी पर जांच बैठा दी जाती है। इसके बाद ऋषभ आशुतोष को धन्यवाद कहता है। छठवें एपिसोड के शुरू में दो भाई पैसों को लेकर आपस में लड़ रहे थे। बड़ा भाई कह रहा था कि वह शादी के बाद भी चक्कर चला रहा है, जबकि छोटा भाई कपिल कह रहा था कि उसके एक मैसेज की वजह से उसकी पत्नी उसे तलाक दे रही है, जबकि बड़े भाई का कहना था कि वह मैसेज उसने नहीं भेजा। तभी दोनों के फोन पर उनके पिता का मैसेज आता है कि वह अपना ये बिजनेस बेच रहे हैं। तब दोनों भाई पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे ये बिजनेस क्यों बेच रहे हैं, पर उनके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं है।
शायद ये मैसेज अपने आप चला गया है। आगे वह बिजनेसमैन अपने घर में आशुतोष की टीम को बुला लेता है कि उनके फ़ोन हैक हो रखे हैं, क्योंकि हर किसी के फ़ोन से मैसेज अपने आप आते जाते रहते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं चलता। इसके बाद आशुतोष सभी से पूछताछ करने लगता है ताकि वे बता सकें कि उनके फ़ोन से मैसेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन आशुतोष इनके घर आ जाता है और जतिन के बेटे समर से मिलता है। पता चलता है कि जतिन ने ये दूसरी शादी की है और समर की माँ बहुत पहले मर चुकी थी। इसके बाद सबका शक समर की ओर जाने लगता है। शाम को जब गिरीश और जिगर ऑफिस में बैठे थे, तब आशुतोष से कहता है कि यह कैसा केस है कि इसमें सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, न चोरी हुई है और न कुछ। ये कहकर वह केस छोड़ने के लिए कहते हैं। आशुतोष कहता है कि यह मामला एक बड़े बिजनेसमैन का है, इसलिए इसे उन्हें सॉल्व करना है कि ये मैसेज भेज कौन रहा है, वरना आगे चलकर यह सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। आशुतोष की टीम को दोबारा बुलाया जाता है। वे लोग देखते हैं कि सभी के फ़ोन तो सेफ हैं, फिर मैसेज कहाँ से आया? शक्ति कहती है कि यह इसी घर के किसी सदस्य का खेल है। शक्ति ने कहा कि उस बार हैकर ने हमारे आने से पहले लॉगआउट कर लिया था, पर इस बार वह व्हाट्सएप लॉगआउट नहीं कर पाया। आप सभी के फ़ोन पर एक ऐप इंस्टॉल है जिसकी मदद से दो दो व्हाट्सएप चल रहे हैं और आप सभी को पता नहीं चलता, यानी कि दूसरे का फ़ोन बंद भी हो जाए तो उनसे मैसेज किया जा सकता है। जांच में एक कार्टून वीडियो संदिग्ध लगी। कपिल कहता है कि कार्टून वीडियो देखने का शौक तो उसके बेटे कल्प को है, जिसके बाद ये लोग कल्प को पकड़ लेते हैं जो 9 साल का बच्चा था। शक्ति बताती है कि उसने अपनी मम्मी के फ़ोन से बार बार सर्च किया था, फिर कल्प को बुलाकर प्यार से पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया। तब उसने बताया कि वह अपने मम्मी पापा के झगड़े से तंग आ गया था, जो रोज रोज व्हाट्सएप की चैट देखने के लिए लड़ते थे, इसलिए परेशान होकर उसने दोनों की चैट पढ़ने की सोची और दोनों के फ़ोन में गेम डाउनलोड कर दिया। आशुतोष ने पूछा कि उसने सभी के फ़ोन हैक क्यों किए और मैसेज भी भेजे। कल्प ने बताया कि ये सभी लोग खूब लड़ते थे, इसलिए कार्टून देखने के बहाने इनके फ़ोन लेकर ऐसे ही मैसेज भेज देता था और कुछ दिनों में इसमें उसे मज़ा भी आने लगा था। इस तरह ये केस भी सॉल्व हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की स्कूटी से तेजी से रोती जा रही थी कि तभी एक ट्रक उसे कुचल देता है। इसके बाद शक्ति उसी मंत्री केपीए के साथ दिखाई देती है जिसने आशुतोष की यह नई यूनिट बनाने में हेल्प की थी। पीए शक्ति से कहता है कि मैडम ने उसके टैलेंट को देखकर उसे मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ वही दूर कर सकती है। आगे देखते हैं कि वह मिनिस्टर प्रतिभा अस्पताल के कमरे में लेटी थी। पीए बताता है कि एक प्रॉब्लम के कारण इन्होंने नींद की कई गोलियां खा ली।